हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस हब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चनिंग द कैनन, उसमें का लास्ट वीडियो रहेगा आज का, स्लैंट्स इन थियोरी एंड द कैनन। बिफोर वी फॉर्मुलेट अ थियोरेटिकल पोजीशन टू रजिस्टर द कैनन, लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म। कोई हम थियोरेटिकल पोजीशन लें, यानी किसी एक पर्टिकुलर तरीके से हम रजिस्टर करना शुरू करें कैनन को, उससे पहले लेट्स नो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप इन बिटवीन लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म। क्या है संबंध लिटरेचर और क्रिटिसिज्म का? क्रिटिसिज्म इज़ कंसीडर्ड बाय सम लिटरेरी स्कॉलर्स एज एन एलीड ब्रांच ऑफ लिटरेचर। क्या बात है, कुछ विद्वान मानते हैं कि क्रिटिसिज्म लिटरेचर का ही एक ब्रांच है। एंड बाय द अदर्स अ वेल इंटीग्रेटेड एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ इट। और कुछ के लिए क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड और ज़रूरत की चीज़ है, नेसेसरी पार्ट ऑफ इट का मतलब एक अभिन्न अंग कह लीजिए है। Our purpose is to see whether there are any canonical formations even in critical perspectives that claim to understand works of literature. क्या बात है, करें इस बात को देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या कुछ ऐसा अभिलेख भी है, कोई ऐसा critical perspective भी है क्या जो ये दावा करता हो कि वो literature को समझ रहा है। यही तो बात है, जब कोई दावा करने लगे कि उसने सब समझ लिया, उसने सारी मीनिंग निकाल ली, तो समझ लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है। दिस इज इसेंशियल, जानना ये ज़रूरी है। क्रिटिकल थियोरी हैज़ इंक्रीजिंगली बिकम एन इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर। आज के डेट में तो खास करके मॉडर्न लिटरेचर जब आप पढ़ते हैं, या मुझे लगता है कि 20th या 21st century से जब लिटरेचर पढ़ा जा रहा है, तो जिस हिसाब से नए मेथड्स एंड मॉड्स आए हुए हैं, नए अप्रोचेस आए हैं, नई स्ट्रेटजीज आई हैं लिटरेचर को समझने के लिए, उनमें थ्योरीज़ का बहुत अहम रोल है। इवन रिसर्चेस जब होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कुछ इंग्लिश लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो रिसर्चेस होते हैं, जो PhD स्कॉलर्स होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो केवल थियोरी बेस्ड ही बातें करते हैं, थियोरीज़ में ही जो है कुछ नई चीज़ों की तलाश करने की जद्दोजहद चलती है उनकी। जबकि तरीका ये होना चाहिए कि जब वो लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट को भी लें, टेक्स्ट का डिस्कशन करें, साथ में थियोरी उसको अप्लाई करें। मतलब वो कहा जाता है ना, अधि सर्वत्र वर्जयेत, केवल लिटरेचर केवल टेक्स्ट की बात करें तो भी गड़बड़ है। थियोरीज़ आपको एक सलीका देती हैं, एक तरीका देती हैं लिटरेचर को और बेहतर तरीके से समझने का, उसको आपको चश्मा देती हैं चीज़ों को और अच्छे से एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए। और लिटरेचर कैन बी यूज्ड एज एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग थियोरीज, फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग थियोरीज़। काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों एक दूसरे के, कहीं ना कहीं एक ऐसा रिलेशन है, दे आर वेरी मच इंटरलिंक्ड टुगेदर। सो क्रिटिकल थियोरी हैज़ इंक्रीजिंगली बिकम एन इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर, हाउएवर इज लिटरेचर अ बॉडी ऑफ थॉट दैट कैन बी ईजिली डिकोडेड बाई क्रिटिसिज्म। ये बात समझने वाली है कि क्या लिटरेचर इतनी आसान सी चीज़ है कि वो क्रिटिसिज्म से आसानी से समझ में आ जाए। हाउएवर इस लिटरेचर बॉडी ऑफ थॉट दैट कैन बी इजिली डिकोडेड बाई क्रिटिसिज्म, वी डू नॉट थिंक दिस टू बी ट्रू। सही बात है, ये इसको सच मान लेना कहीं ना कहीं समझदारी की बात नहीं होगी। इट इज़ नॉट एज इफ द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज टू मेयरली लोकेट मीनिंग इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेट आंसर्स टू सॉल्व द रिडल कॉल्ड लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको समझना भी है, और बाकायदे जो है इस चीज़ को याद भी रखना है, ठीक है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एज इफ द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज मेयरली लोकेट मीनिंग इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेट आंसर्स। हमको चाहिए होता है, कभी कभी ऐसी बात हम करते हैं, इस गलत फहमी में हम आ जाते हैं, लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो लिटरेचर को एक रिडल समझा जाए, क्रिटिसिज्म को आप की समझ लें, उन रिडल को सॉल्व करने की, उसको समझने की, उसमें मीनिंग जनरेट करने की,
या हर समस्या के सॉल्यूशन के लिए। जैसे जैसे देखिए क्या है, लिटरेचर में समटाइम्स लिटरेचर को लेकर के भी लोग ऐसी बातें करते हैं, जैसे हम किसी समस्या पर लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी की, कोई प्रॉब्लम है किसी एविल के बारे में हम लिख रहे हैं, हमने उसके लिए साहित्य लिखा, लिटरेचर लिखा, तो कई बार ये भी आरोप लगता है कि फला राइटर ने बातें तो बहुत सारी की हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं सुझाया। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, इस पर जो तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि राइटर्स जो होते हैं दे टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन दिस सोसाइटी एंड हु आर अकाउंटेबल, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग दोज एनिग्मा फ्रॉम दिस सोसाइटी, दोज प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस सोसाइटी, दे आर नन अदर देन द पॉलिटिशियंस, द लीडर्स हु आर बीइंग इलेक्टेड। तो हम सिंस वी आर डेमोक्रेसी, हम अपना नेता चुनते हैं अपने विकास के लिए। अगर समस्या है सोसाइटी से रिलेटेड, कोई बड़े स्तर की समस्या है, तो ऑब्वियस है कि पॉलिटिशियन, लीडर, मिनिस्टर, जो भी हम चुनते हैं वो उसका सॉल्यूशन निकाले। मतलब ये है, सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि आपको अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो आप किसको दिखाइएगा, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइएगा या आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइएगा? तो समस्या जैसी है सॉल्यूशन भी तो वैसा ही होगा। एक राइटर क्या कर सकता है, अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है अपनी राइटिंग के थ्रू। उसके पास कोई स्पेशलाइजेशन समस्या को सॉल्व करने की नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कोई राइटर समस्या की बात ही कर ले, यही बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। समटाइम्स कुछ राइटर सजेस्ट करते हैं अपने स्तर से, चूँकि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी ठीक ठाक होता है, तो अपने स्तर से वो समाधान भी सुझाते हैं, लेकिन ये आरोप लगाना उन पर कि वो केवल समस्या की ही बातें करते हैं, समाधान नहीं सुझाते, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी। ठीक है, तो उसी तरह से क्रिटिसिज्म को अगर हम समझ लें कि अगर लिटरेचर एक समस्या, लिटरेचर में जो समस्या है, जो कुछ ऐसी चीज़ है जो हमको समझ में नहीं आ रही है और हमें लगे कि क्रिटिसिज्म हमें रास्ता दिखाएगा, तो क्रिटिसिज्म पूरी तरह से एक रिडल को सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। वो केवल आपको एक वे दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको मिलते हैं क्रिटिसिज्म के थ्रू। करें ना, इट इज़ नॉट एज इफ द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ टू मेयरली लोकेट मीनिंग इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेट आंसर्स। ये डेफिनेट आंसर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू सॉल्व द रिडल कॉल लिटरेचर। क्रिटिसिज्म मीनिंग जनरेट करके बता दे, मीनिंग को लोकेट करा दे, मीनिंग कहाँ है एक्चुअली, और फिर लिटरेचर रूपी रिडल को सॉल्व करने में हेल्प कर दे। केवल ये काम नहीं है क्रिटिसिज्म का। There are contradictions within both literature and criticism, और होना भी चाहिए। लिटरेचर और क्रिटिसिज्म में कह रहा है कि कई तरह के contradictions हैं और होनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूँ, मैं बार बार विलियम ब्लेक को कोट करता हूँ, विदाउट कंट्रारी इज नो प्रोग्रेशन। तो चीज़ों में विरोधाभास होना चाहिए। सभी अगर एक ही चाल चलने लगे, सभी अगर एक ही ढंग से सोचने लगे, तो फिर विकास किस तरह से करेंगे आप? The two must be considered in an objective materialistic way. The nature of contradictions is as much internal as it is external, since both literature and criticism shape and are shaped by the actual surroundings in which they operate. कह रहा है कि दोनों तरह से है contradiction इसमें, literature और criticism में, internal भी external भी, क्योंकि दोनों के दोनों context से प्रभावित होते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में, और यही कारण है ना, आप देखते हैं कि अलग अलग थियोरीज अलग अलग समय में आई, सारी थियोरीज एक ही समय में क्यों नहीं आ गई, अलग अलग जगह से निकली हैं। तो कॉन्टेक्स्ट, टाइम और प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर के लिए भी और इसके लिए भी, और इस तरह से दोनों में कॉन्ट्राडिक्शंस नेचुरल हैं। वॉट इज द थ्रस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू and to discuss the aspects of literary theory. Thrust बड़ा अच्छा वर्ड है। एक अपथ्रस्ट होता है जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है,
हाँ, व्हाट इज द थ्रस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू? क्या है ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू? क्या होता है भाई? हाउ इज इट गोइंग टू प्रूव एन अप्रोप्रिएट स्लैंट फॉर अस टू डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेरी थ्योरी? कह रहा है इसके पीछे थ्रस्ट क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू? ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिसिस्ट का मतलब ये है कि आप जब कॉन्टेक्चुअलाइजेशन में बात करते हैं तो उसमें भी आप ऑब्जेक्टिव हो जाएं, आप सब्जेक्टिव ना हों, आप पर्सनल ना हों, आप बायोग्राफिकल ना हों. हाउ इज इट गोइंग टू प्रूव एन अप्रोप्रिएट स्लैंट फॉर अस? तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये कैसे हेल्प करने जा रहा है हमको लिटरेरी थ्योरी के एस्पेक्ट में? फॉर अस लिटरेरी थ्योरी रिकॉग्नाइजेज द ट्रांजिशंस इन इंग्लिश इकोनॉमी फ्रॉम एन एग्रेरियन टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. देखिए ये पॉइंट, देखिए कैसे इकोनॉमिक्स कैसे प्रभावित करता है लिटरेचर को. जो लोग मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म पढ़े सुने होंगे उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा. यहाँ पर भी देखिए लिटरेरी थियोरी कैसे एक ट्रांजिशन में आती है इंग्लिश इकोनॉमी में. इंग्लिश इकोनॉमी पहले जो एग्रो बेस्ड थी, जो एग्रेरियन थी, एग्रेरियन का मतलब जो कृषि पर आधारित थी, कैसे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनी और उस हिसाब से उसमें वो चेंजेस हमको देखने को मिले हैं. उसमें इंग्लिश इकोनॉमी का एग्रेरियन से कैपिटलिस्ट होना, उस हिसाब से थियोरीज का बदलना. इट ट्रेसिस द डेवलपमेंट इन सोसाइटी फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड इन हिस्ट्री टू द कंटेम्प्रेरी स्टेट ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरीज. अब खैर 21st सेंचुरी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा. डेवलपमेंट कैसे हुए, कंटेम्प्रेरी स्टेट में कैसे सिचुएशन आई, पहले कैसी चीज़ें थी, 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में कैसे चीज़ें बदलें और अब कैसे बदल रही हैं तेज़ी से. मॉडर्निज्म का क्या असर है, पोस्ट मॉडर्निज्म का क्या असर है, कॉलोनियलिज्म का क्या असर था, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का क्या असर था. इट रिकग्नाइजेज अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सोशल स्टेजेस एंड इज करेस्पॉन्डिंग इकोनॉमिक सिस्टम. तो ऑब्वियस है कि ये अलग अलग सोशल स्टेजेस और अलग अलग उसके हिसाब से इकोनॉमिक सिस्टम की बात करता है, उसके रिलेशन की बात करता है, उसको रिकग्नाइज करता है. इट एनालाइजेज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेज एंड वर्क्स आउट देयर रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी. ये इस बात की भी एनालिसिस करता है कि क्या क्या नए प्रोडक्टिव फोर्सेज आए हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट हुए हैं और उनका क्या रिलेशन है अदर एस्पेक्ट, सोसाइटी के अदर एस्पेक्ट्स से. व्हाट वी मीन इज दैट इंपीरियलिज्म हैज बीन एट द सेंटर ऑफ कैनन फॉर्मेशन इन आर कॉन्टेक्स्ट एंड नीड्स एज सच टू बी कॉम्प्रिहेंडेड इन इट्स मल्टीपल वेज ऑफ फंक्शनिंग. क्या कहने का मतलब है, ये जो सारी बातें कही जा रही हैं उसका मतलब यही निकल करके आ रहा है कि जो इम्पीरियलिज्म हैज़ बीन द सेंटर ऑफ कैनन फॉर्मेशन. जो कैनन फॉर्मेशन हुआ उसके पीछे रीज़न क्या है, इम्पीरियलिज्म, साम्राज्य विस्तार की नीति. और इन आर कॉन्टेक्स्ट नीड्स एज सच टू बी कॉम्प्रिहेंडेड, और किस तरह से इसकी फंक्शनिंग मल्टीपल वेज में है इसको समझने की ज़रूरत है. किसकी, इम्पीरियलिज्म की. यानी आप कह सकते हैं कि बेसिक रीज़न बिहाइंड कैनन फॉर्मेशन वॉज इम्पीरियलिज्म इन आर कॉन्टेक्स्ट. That is why we have to comprehend several aspects, several functioning of imperialism at the several levels. The contradictions of which we talked about gets further compounded under imperialism since it brings to bear on them its own weight of problems. तो अब imperialism की बात करेंगे तो contradictions और बढ़ जाएंगे. What, for instance, is the relationship between the masses of Western एडवांस्ड कंट्रीज एंड दोज ऑफ द कॉलोनीज? जैसे यहाँ पर समझाया है कि क्या रिलेशन है बिटवीन द मासेस ऑफ वेस्टर्न एडवांस्ड कंट्रीज, सो कॉल्ड एडवांस कह सकते हैं, या भाई अगर इकोनॉमी के हिसाब से कहें तो ऑब्वियस है कि एडवांस्ड वो हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बात यह भी है कि वो एक्सपोजर ज़्यादा करते हैं, वो दिखावा भी ज़्यादा करते हैं. इफ वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इकोनॉमी बट ऑल्सो अबाउट डिफरेंट कल्चरल पर्स्पेक्टिव्स. तो जैसे कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या मासेस में क्या रिलेशन है, यानी जो जैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों में और हमारे हिंदुस्तानियों में क्या रिलेशन हो सकता था. नॉर्मली सिंस बोथ आर एक्सप्लॉइटेड दे शुड हैव अ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट्स. क्या लिखा है, व्हाट फॉर इंस्टेंस इन द रिलेशन बिटवीन द मासेस ऑफ वेस्टर्न एडवांस्ड कंट्रीज एंड दोज ऑफ द कॉलोनीज. दोनों में क्या है, सिंस बोथ आर एक्सप्लॉइटेड, दोनों
एक्सप्लॉइटेड हैं. कैसे भाई? दे शुड हैव अ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए उनकी रुचियाँ अभिरुचियाँ इंटरेस्ट सिमिलर होने चाहिए. कैसे भाई? दिस हाउएवर इज़ नॉट द केस इन आर कॉन्टेक्स्ट. द ऑर्डिनरी इंग्लिश सिटीजन वॉज प्रिवेंटेड. अच्छा ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों है? दोनों एक्सप्लॉइटेड कैसे हैं? जब आपने कैनन के शुरुआती वीडियोस देखे होंगे तो उसमें पाया होगा कि कैसे जो कॉमन मास है, चाहे वो इंग्लैंड का हो चाहे वो इंडिया का हो, कॉमन इन जैसे कैनन फॉर्मेशन इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुई थी? अपर क्लास और मिडिल क्लास. जो लोअर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, वो इनसे दूर थे, वो इस कंस्ट्रक्शन से दूर थे. उनके पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं था, उनको खाने कमाने की जद्दोजहद में ज़िंदगी गुजारनी थी. तो वो कैनन फॉर्मेशन में क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे? यानी वहाँ उनके देश में भी, सो कॉल्ड एडवांस कंट्रीज़ में भी लोअर क्लासेस का, वर्किंग क्लासेस का एक्सप्लॉयटेशन हुआ. और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ऑब्वियस है, जब हम कॉलोनी थे तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ ही. तो दोनों में का जब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो कह रहे हैं कि दोनों में तो सिमिलरिटी होनी चाहिए या दोनों के इंटरेस्ट में कॉमन चीज़ पाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. दिस हाउएवर इज़ नॉट द केस. क्यों भाई? इन आर कॉन्टेक्स्ट द ऑर्डिनरी इंग्लिश सिटीजन वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम रिलेटिंग टू कॉमन इंडियन पीपल बाई द फैक्ट ऑफ हिज पोजिशन इन द इंपीरियलिस्टिक स्ट्रक्चर. कह रहा है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो ऑर्डिनरी इंग्लिश सिटीजन है उसको मना किया गया था कॉमन इंडियन से मिलने के लिए. देयरफॉर वी हैव टू प्लेस दिस होल फेनोमेनन इन अ न्यू कल्चरल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क एंड रिकॉग्नाइज इट्स स्पेसिफिक नेचर. तो इसलिए कह रहा है कि हमें इस फेनोमेना को एक नए कल्चरल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में समझना होगा और इसके स्पेसिफिक नेचर को भी समझना होगा. लेट अस यूज सम व्हाट सिंपल टर्म्स टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन. अब देखिए भाई क्या टर्म बता रहे हैं, किस तरह की चीज़ें यूज़ करने की बात कर रहे हैं. Today we have entered a new phase of capitalism in which different kinds of relations are formulated amongst the members of society. नए phase of capitalism में हम लोग enter कर चुके हैं, जहाँ पर हमें different kind of relation देखने को मिलते हैं society के अलग अलग members में. These are new manifestations of their earlier relation. पहले का जो रिलेशन था उसमें मॉडिफिकेशन किया गया, नया मैनिफेस्टेशन हुआ है रिलेशन में. वी कैन सी दैट इन अ गिवन कंट्री विद अ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी वन सेक्शन इमर्जेस रिचर दैन द अदर. जैसे अमेरिका है, जैसे अब इंडिया हो रहा है धीरे धीरे, जैसे चाइना है, जो देश जो कंट्री मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो जाएगी तो उसमें क्या होगा? एक सेक्शन रिचर बनेगा और बाकी पुअर रहेंगे या कम धनाढ्य होंगे. इन द ग्लोबल सेटअप देन, एंड दैट इज वाई है ना नया फेज कैपिटलिज्म का, इन द ग्लोबल सेटअप व्हेन द डेवलप्ड कंट्री मूव्स फास्टर देन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द फर्स्ट वर्ल्ड कंटिन्यूज इट्स कंट्रोल ओवर द थर्ड वर्ल्ड. तो क्या होता है ग्लोबल सेटअप में? यही चीज़ क्या होती है? डेवलप्ड कंट्री काफ़ी तेजी से विकास करती है, डेवलपिंग बेचारी पीछे पीछे चलती है, और ये कारण है कि फर्स्ट वर्ल्ड अपना इम्पैक्ट बनाए रखता है थर्ड वर्ल्ड पर. टुडे द ओल्ड सिस्टम हैज़ रिमेंड इवन दो द फॉर्म्स हैव चेंज्ड. कह रहा है ओल्ड सिस्टम है, फॉर्म बदल गया उसका. वी हैव एंटर्ड अ न्यू एरा ऑफ कंज्यूमरिज्म. देखिए अभी न्यू एरा ऑफ कैपिटलिज्म की बात हो रही थी, अब न्यू एरा ऑफ कंज्यूमरिज्म की बात हो गई. यही है, आप देखिए कि आप समझ सकते हैं कि कैसे इकोनॉमिक्स के टर्म्स कैपिटलिज्म कंज्यूमरिज्म डेवलपिंग इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी कैसे ये सारी चीज़ें जो हैं लिटरेचर को प्रभावित करने आ गई यहाँ पर. तो भाई इसकी भी जानकारी होनी चाहिए. वी आर पपेट्स. हम सभी क्या हैं? कठपुतलियाँ हैं. वी आर पपेट्स बोथ एट द हैंड्स ऑफ द इंडिजिनस मार्केट्स एंड द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. चाहे इंडिजिनस मार्केट हो जो नेटिव लोगों का होता है, हम उनके हाथों की भी कठपुतलियाँ हैं और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के भी हाथों की कठपुतलियाँ हैं. कैसे? देखते हैं ना कि कैसे आप मॉल में जाते हैं तो कैसे वहाँ पर आपको ठगा जाता है, या आपको सर्विस के नाम पर आपसे कैसे जो है बहुत ज़्यादा कीमत वसूली जाती है सिंपल चीज़ों की भी. और देखिए जिसका भी मोटो पैसा कमाना हो जाएगा ना, तो उसमें कहा जाता है कि वो स्थिति ऐसी आ जाती है कि फिर रिलेशन भी नहीं पहचानता है इंसान. हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं जो अपने रिश्तेदारों का काम कराने के लिए उनसे ये कह करके पैसा लेते हैं कि आप तो अपने हैं इसलिए आपसे केवल 30,000 ले रहे हैं, बाकी 150,000 ले रहे हैं. और पता चल रहा है कि वो जो काम करा रहे हैं उस काम की ज़रूरत ही नहीं है, पैसा देने लेने की बात ही तो छोड़ दीजिए, वो बेवकूफ़ बना करके काम कराया जा रहा है. तो जब हम मार्केट ओरिएंटेड हो जाते हैं, जब हम पैसे के लिए जीने लगते हैं ना, तो फिर कोई अपना पराया नहीं रह जाता है. हम सबसे वसूलना चाहते हैं, सबसे कमाना चाहते हैं.
ये स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए कह रहा ना कि इंडिजिनस मार्केट हो चाहे जो हस्तशिल्प कला के लोग हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, वो जब कमाना शुरू करते हैं या मार्केट जो है लगाना शुरू करते हैं, कैसे वो भी कमाने की जुगत में रहते हैं। रहना चाहिए, लेकिन ऑब्वियस है कि भाई पेट के लिए तो कमाई करनी ही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है आप कैपिटलिज्म को बढ़ावा दें, ये सही नहीं है। We are puppets both at the hands of the indigenous markets and the multinational corporations. In such a scenario, should we dismiss the political social nexus or should we deploy the ideas of economic suppression to counter the ever emerging studies of global capitalism? तो कह रहा है कि ऐसे सीनरियो में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें political social nexus को dismiss कर देना चाहिए या economic suppression को deploy करना, we deploy the ideas of economic suppression to counter the ever emerging studies of global capitalism, global capitalism की idea से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको। The literary canon tries to blur the boundaries of such ideological processes so that status quo prevails. Status quo बहुत important है, ये Latin term है जिसका मतलब ये होता है कि जैसे पहली चीज़ें ठीक ठाक अवस्था में थी वैसे वापस आ जाएं। तो लिटरेरी कैनन जो कह रहा है कि वो इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, स्टेटस क्यू बना रहे, एक असंतोष की भावना लोगों में न प्रिवेल कर जाए, तो इसलिए उसके लिए भी जो है बाकायदे लिटरेरी कैनन बहुत हेल्प करता है। जैसे देखिए ना, मोबाइल वगैरह का जो आप देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें आपको इस ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं आपके सामने कि आप उसके लिए कितना भी पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं, अगर आपको पता चल जाए कि आप ठगे गए हैं तो कैसा लगेगा आपको, आपके मन के अंदर का कायोस बढ़ जाएगा। तो आप अपने मन को समझाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म अपनाना शुरू करेंगे और पता करना चाहेंगे और खोज करना। जैसे कैसे, एक नॉर्मल सी बात है ना, जैसे कोई सामान एक जगह आपको 100 रुपये में मिल रहा है, दूसरी जगह कहीं पता चले कि 80 रुपये में मिल रहा है। मान लीजिए कहीं आपने वो सामान 100 रुपये का ले लिया और बाद में पता चल रहा है कि कहीं दूसरी जगह वो सामान 80 का मिल रहा है। मन को संतुष्ट देने के लिए हम क्या पहले चीज़ डिफेंस मैकेनिज्म क्या अपनाते हैं, क्या कहते हैं, अरे शायद डुप्लीकेट होगा तभी 80 का दे रहा, नहीं तो 100 का मिल तो ही मिलता है। समझ रहे हैं कैसे ये स्टेटस क्यू जो है ना, स्टेटस क्यू QUO, इसको मेंटेन करने के लिए हम कैसे डिफेंस मैकेनिज्म खुद से के भीतर अपनाते हैं और कैसे आइडियोलॉजी स्प्रेड की जाती है लिटरेरी कैनन के थ्रू चीज़ों को लेकर के। दिस अलाउज द प्रोपोनेंट्स ऑफ द कैनन टू वर्क आउट देयर मोटिव्स इफेक्टिवली। तो कैनन जो है उनकी हेल्प करता है। जैसे या फिर मैं उसकी बात करना चाहूँगा, मैं मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में जब मैं मेटरलिज्म की बात कर रहा था, जब मैं रेमंड विलियम्स को पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने बताया था कि कैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ जिसका ऐड एक पेज पर दिया हुआ है, लास्ट पेज पर आप देखते हैं एक सर्वे हुआ है और वो पर्टिकुलर चीज़ जैसे चाय है या कॉफ़ी है, उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में आपको बताया जा रहा है, फ़ायदे के बारे में बताया जा रहा है। आपको पता ही नहीं है कि जो एक सर्वे आपके सामने दिखाया जा रहा है उस सर्वे का क्या रिलेशन है उस एडवर्टीजमेंट से। चीज़ें बड़ी वेल प्लान्ड होती हैं, ये भी कैनन की सेटिंग है। ठीक है, इस तरह से भी जो है लिटरेरी टेक्स्ट के थ्रू भी चीज़ें आप तक पहुँचाई जाती हैं। कैसे ना, आप देखते हैं कि हिस्ट्री अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखवा करके पढ़ा करके आपका ब्रेन वॉश किया जाता है और आपके दिमाग में पर्टिकुलर आइडियाज़ डाल दिए जाते हैं और आप उसी हिसाब से सोचते हैं, आपको लगता है कि यही सही है। पहले जो विचार आपके दिमाग में घुसा दिए गए आपको लगता है बस वही सही है, बाद के जो विचार आते हैं आपको लगता है ना हमने तो ये नहीं पढ़ा था, ऐसी बात नहीं है, दूसरी बात है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, आपके साथ किया जा सकता है, इसकी समझ डेवलप होनी चाहिए। कैसे डेवलप होगी, जब डीकंस्ट्रक्ट करने आएंगी चीज़ें तभी तो समझ पाइएगा, नहीं तो लगेगा कि हाँ जो बताया गया पढ़ाया गया वही सब सही है। तो क्या कह रहा है, दिस अलाउज द प्रोपोनेंट्स ऑफ द कैनन टू वर्क आउट देयर मोटिव्स इफेक्टिवली बट वी नीड टू पुट अ स्टॉप टू दीज डोमिनेंट मोड्स ऑफ थिंकिंग। तो इस तरह की सोच पर हमें कंट्रोल करना होगा, दे आर टेम्प्टिंग एंड लुक्रेटिव एंड इट इज़ ईजी टू फॉल प्रे टू देम। ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, आपको ललचाते हैं कि आपको लगता है कि आप उसके शिकार हो ही जाएंगे और हो भी जाते हैं। वी नीड टू डेवलप इंटर रिलेटेड मैट्रिसेस टू डेवलप अ
कॉजन थियोरी टू काउंटर कैनोनिकल टेंडेंसीज इन लिटरेचर। लिटरेचर में कैनोनिकल टेंडेंसीज को काउंटर करने के लिए हमें इंटर रिलेटेड मैट्रिसेस डेवलप करने पड़ेंगे, यानी सबको मिलकर के साथ आना पड़ेगा। ऑब्वियस है, जैसी बात कही थी ना अमर सिंह जी ने, है ना, कि अगर आप इन चीज़ों के विरोध में खड़े होते हैं तो साथ में आना पड़ेगा, तभी आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। वन सच मेथड इज अलायंस ऑफ मैटरलिस्ट थॉट विद फेमिनिज्म। देखिए कैसे है, फेमिनिज्म और मैटरलिस्ट थॉट दोनों को मिला दिया जाए, यानी रेमंड विलियम्स और बाकी जो फेमिनिस्ट थ्योरी की जो प्रोपोनेंट्स हैं उनकी सारी बातें अगर कह लें हम, या फ्रेडरिक जेम्सन को ले लीजिए आप, फ्रेडरिक जेम्सन नहीं बल्कि मैं कहूँगा ईगल्टन, टेरी ईगल्टन इंग्लैंड से जो हैं, उनकी जो थियोरी है कैपिटलिज्म को लेकर के। एज अ थियोरेटिकल इंटरप्राइज फेमिनिज्म इज ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क आउट मेथडोलॉजिकल स्ट्रेटजीज टू क्वेश्चन कैनोनिकल अजम्पशंस। ये भी देखिए, फेमिनिस्ट थियोरिस्ट भी तो ऑब्वियस है कि वो कैनन फॉर्मेशन के खिलाफ बोलती रही हैं शुरू से, वो कहती हैं ना कि कैसे हर चीज़ जो है पुरुष के फेवर में ही होती है, आप पुरुषों ने लिटरेचर लिखा, पुरुषों ने इतिहास लिखा और अपने हिसाब से चीज़ें उन्होंने लिख डाली हैं। तो ऑब्वियस है कि ऐसे जो कैनन फॉर्मेशन हो चुके हैं या होते रहे हैं या हो रहे हैं, इनके खिलाफ तो बोलना ज़रूरी हो जाता है, और फेमिनिज्म के प्रोपोनेंट्स इस बात को बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं जब वो इन चीज़ों को अनकवर करने की कोशिश करते हैं। तो द फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैव नॉट रेस्ट्रिक्टेड themselves टू द टेक्स्ट बट आर ब्रिंगिंग इट अलाइव इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ थिएटर आर्ट्स एंड सो ऑन। देखिए फेमिनिस्ट ग्रुप ने इसको केवल टेक्स्ट तक सीमित नहीं रखा बल्कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी ला रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, आर्ट्स यानी पेंटिंग वगैरह के थ्रू भी चीज़ों को दिखा रहे हैं और कई तरह की चीज़ें अपना रहे हैं, और इसे बिल्कुल जो है सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, YouTube पर एक बड़ा खूबसूरत वीडियो देखा था, कैसे उसमें देखिए एक छोटी सी शॉर्ट मूवी बना करके बाकायदे दिखाया है कि आप एकदम शॉक्ड रह जाएंगे देख करके कि ऐसा कैसे, क्या ये भी हो सकता है, ऐसा क्यों होता है, इज दिस पॉसिबल, अरे ये कैसे हो गया। उसमें दिखाया है कि कैसे एक लड़का जो है वो जॉब करके कहीं से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, और बीच में तीन चार लड़कियां मिल जाती हैं उसको और वो छेड़ना शुरू करती हैं उसको, वो भागने की कोशिश करता है, वो पीछा करती हैं। इस तरह की जो चीज़ दिखाई जा रही है वो क्यों दिखाई जा रही है, ये समझाने के लिए कि जो उनके साथ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, चूँकि सुनने वाले काफ़ी लोग हैं और कई तरह के एक्सपीरियंसेस वाले लोग हैं, नहीं कहता मैं कि केवल एक्सप्लॉयटेशन लड़कियों का ही होता है, लड़कों का भी होता है समटाइम्स, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा देखने में आती है वो यही होती है कि जब लड़की कोई अकेली होती है तो उसका फ़ायदा उठाते हैं लड़के और इस तरह से उसको परेशान करते हैं और बहुत कुछ होता है बुरा उनके साथ। तो ये जब चीज़ आपको दिखाई जा रही है तो ऑब्वियस है कि कोई फेमिनिस्ट थिंकर की ही का ही विचार होगा इस तरह की चीज़ों को दिखाने के लिए, कि कैसे जो चीज़ें ज़्यादा प्रिवेल कर रही हैं सोसाइटी में उसको उल्टा करके दिखा दिया जाए और फिर आपको सोचने पर विवश किया जाए कि आप सोचिए उनकी जगह पर, आप खुद को लेकर के सोचिए कि कैसा लगता है। इसी तरह का एक और वीडियो देखा था मैंने, बेटा और बेटी हैं जो है पापा से परमिशन मांग रहे जाने की, तो बेटी जाने के लिए पार्टी में बोल रही कि 10-11 बज जाएगा रात में आने, पापा बोले ठीक है बेटा जाओ कोई बात नहीं। बेटा जाने की बात कर रहा है कुछ दोस्तों के साथ 6 या 7 बजे के लगभग, तो पापा बोले अरे ऐसे कैसे, इस समय तुम कैसे जा सकते हो, बिल्कुल नहीं जाना है, जाना है कि तो किसी को साथ लेकर के जाओ। मतलब आप जब देखेंगे तो आपके चेहरे पर एक स्माइल भी आएगी और कहीं ना कहीं आपका दिमाग सोचने पर विवश भी करेगा आपको कि जो चीज़ हम औरों के साथ कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेल्स, जो चीज़ें आप फीमेल्स के साथ कर रहे हैं वो अगर आपके साथ हों, उस तरह का भेदभाव अगर आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा। तो जो जिस तरह की आइडियोलॉजी हमने बना करके रखी है ये भी तो कैनन फॉर्मेशन है ना, सही गलत कौन डिसाइड करता है, सर्टेन इंडिविजुअल्स, सर्टेन जेंडर पीपल। तो ये सारी चीज़ें हैं
कह रहा है कि ये जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं दे आर डूइंग इट इन अ वेल मैनर, वो डिकोड कर रही हैं कैन फॉर्मेशन को, डिकंस्ट्रक्ट कर रही हैं थिएटर आर्ट्स के जरिए. बट फेमिनिज्म कैन नॉट बी वर्कड आउट कम्प्लीटली टिल इक्वालिटी इज एस्टैब्लिश्ड एट ऑल लेवल्स इन सोसाइटी एंड फॉर दिस इट हैज़ टू फंक्शन कोऑपरेशन विद फोर्सेज दैट एम टू एंड एक्सप्लॉयटेशन. कह रहा है कि फेमिनिज्म पूरी तरह से वर्क नहीं कर सकती जब तक इक्वालिटी प्रिवेल न कर जाए. खैर ये आइडियल लेवल की बातें हैं, आसान नहीं है चीज़ें, लेकिन रेजिस्टेंस तो होना चाहिए, आग तो जलनी चाहिए. कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारों. ये जो फेमस शेर है दुष्यंत कुमार का है शायद. One of the most important ways of doing this is by beginning with an implementation of these theoretical concepts in the classroom. तो इसलिए theoretical concept को classroom में लाना होगा और ये devices हैं, ये tools हैं, ये बताना होगा और जो है इसका use clear करना होगा classroom में students के साथ. It is only with a meaningful interaction between the teacher and the student that these ideas can be extended beyond the room to the world outside.